नजर आए। सेंटर के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। ये कन्वेंशन सेंटर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। इसमें एक मेन ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया गया है, जिसमें एक साथ तकरीबन 6000 लोग बैठ सकते हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकों, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से कई का काम भी पूरा हो चुका है। हाल फिलहाल में दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम की चर्चा पूरी दुनिया में देखने को मिली है, जहां पर G20 की बैठक हुई थी और अमेरिका समेत दुनिया के टॉप लीडर्स इसमें शामिल हुए थे। इसी तरह से दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसे यशोभूमि का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण तो यशोभूमि की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई, जिसकी खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बर्थडे पर बॉस की ओर से देशवासियों को आज कई सौगातें दी जा रही हैं, जिसकी अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विश्वकर्मा पूजा भी किया गया। यशोभूमि का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। मेट्रो की सौगात दी गई। महिला कामगारों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए नजर आए और बच्चों के साथ पीएम मोदी ने सेल्फी भी ली। तो कई खास तस्वीरें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि आज विश्व गुरु का जन्मदिन है, तो ये अपने आप में ही खास हो जाता है। तो बीजेपी आज